स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली MP बोर्ड छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आई है। मेरे वो छात्र जो कक्षा 12वीं के जो फिलहाल यहाँ पे वेट कर रहे थे कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, फाइनली दोस्तों आज 28 जून थी और आपके रिजल्ट पे अंतिम मोहर लग चुकी है। ऑफिशियल ट्वीट करके भी जानकारी यहाँ पे दोस्तों बोर्ड ने साझा की है, तो पूरी अपडेट यहाँ पे विस्तारपूर्वक बताऊंगा और आपको क्या इससे फ़ायदा मिलने वाला है पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, MP बोर्ड बैठक में लिया फैसला, कक्षा 12वीं का रिजल्ट 10वीं के आधार पर बनेगा। मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं के रिजल्ट MP बोर्ड 12th रिजल्ट 2020 पर मंत्री समूह ने लिया फैसला। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए खबर सामने आई है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं के रिजल्ट पर मंत्री समूह ने फैसला ले लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में तय किया गया कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट 10वीं के आधार पर तैयार किया गया, बेस्ट 5 विषयों से लेके अंक। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर मंत्री समूह ने फैसला लिया है कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं के आधार पर ही बनेगा। इसमें बेस्ट ऑफ 5 विषयों से अंक लिए जाएंगे। अब जल्द ही 12वीं का रिजल्ट बनाकर घोषित किए जाएंगे। CM श्री चौहान ने कहा कि कक्षा 12वीं के अंकों का निर्धारण कक्षा 10वीं के विभिन्न विषयों में प्राप्त। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ऑफिशियल ट्वीट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट MP बोर्ड का, 10वीं के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तय किया जाएगा। विद्यार्थी परिणाम सुधारना चाहते हो, परीक्षा देकर परिणाम सुधार सकते हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। ये वही बताते चले कि 25 जून को खबर मिली थी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं का परिणाम जुलाई तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों कक्षा 10वीं का जो परिणाम है 20 जुलाई तक घोषित हो गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं के परिणाम की पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा समिति की बैठक में परिणाम को मान्य किया गया है। स्कूलों द्वारा मंडल को OMR शीट भरकर भेज दी गई है। तो फाइनली दोस्तों अब तक की जो बिग अपडेट निकल के यही आ रही है कि फाइनली दोस्तों मीटिंग खत्म हो चुकी है और आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर बनेगा और कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है वो दोस्तों 20 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अपडेट अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।